पे आप देख रहे भारत समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने जागीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई को रोक दिया है। कोर्ट के आदेश जो आए हैं और जो सिविक एजेंसी का जो इंडिकेशन है उसके हिसाब से एनफोर्समेंट ड्राइव को रोक दिया। जो भी कोर्ट के आदेश होंगे, जो सिविक एजेंसी का आदेश होगा, फिर हमारा आकलन होगा, ग्राउंड सिचुएशन होगा, उसके बेसिस पे आगे की कार्रवाई होगी। ये एक संस्थागत व्यवस्था है। थैंक यू। चित की जा रही पुलिस के अधिकारियों के साथ यहां पर किस तरीके से कल की कार्रवाई भी होगी, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और ऐसे में इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और अब जो कार्रवाई है वो फिलहाल रोक दी गई है। कोर्ट ने जागीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई थी। पहली याचिका यूपी एमपी समेत देश के अन्य हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई। दूसरी याचिका दिल्ली के जागीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई और अब कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना और इसी के साथ अब कल एक बार फिर से इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तस्वीर देखिए, ये वही वो मस्जिद है जिसके बाहर के अतिक्रमण को हटाया गया है। अवैध कब्जे को इस मस्जिद के सामने से भी हटाया गया है और यहाँ पर भी कार्रवाई की गई है। जागीरपुरी से तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। एमसीडी यहाँ पर अभी अपनी फिलहाल कार्रवाई रोकती है। यहाँ पर जागीरपुरी में एक्शन जो है वो लगातार जारी था सुबह से और ये तस्वीर देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो मस्जिद जिसके सामने हंगामा हुआ था और उसके बाद मस्जिद के सामने जो अवैध निर्माण हुआ है और उसी अवैध निर्माण को अब गिराने का काम यहाँ पर जारी है। लगातार यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी इस पूरे मामले में। अब देखना होगा किस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ता है। अवैध कब्जे को लेकर पूरी डिटेल जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाएगी, उसके बाद कोर्ट इस पूरे मामले में अपना फैसला जो है वो सुनाएगा। पूरे देश में जिस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें यूपी मध्य प्रदेश जैसे जिले जैसे राज्य जो है वो शामिल है, अलग अलग जिलों में यहाँ पर कार्रवाई जो हुई है उसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाने का काम याचिकाकर्ता ने किया और इसके साथ जो दूसरी यहाँ पर पिटीशन दायर की गई थी उसमें ये जागीरपुरी में बुलडोजर को लेकर यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर कहा है कि कोर्ट जो है वो ध्यान रखे, उसके आधार पर आगे एक्शन और आदेश जो है वो दिए जाए। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई, लेकिन वो मस्जिद जिसके बाहर हंगामा हुआ उसके बाहर अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। देखिए अलग अलग कैमरों से अलग अलग एंगल आपको दिखा रहे हैं। कैमरा वन, कैमरा टू, कैमरा थ्री, कैमरा फोर, कैमरा फाइव, जहां पर बुलडोजर चला है, अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन यहां पर हुआ है। घर के छज्जों को जो बाहर अतिक्रमण के हिसाब से बढ़ाकर बनाया गया उनको यहाँ पर गिराया गया, टीन शेड यहाँ पर गिराया गया, दुकानों को यहाँ पर गिराया गया है और इसी के साथ यहाँ पर जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पर कूड़े को सड़क पर यानी कि आम जनता की जो जमीन है, जो सरकारी जमीन है, वहां पर जो इकट्ठा किया जाता है उसे वहां से हटाया गया है। तो अतिक्रमण के खिलाफ लाल एक्शन जारी, लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है और इसी के साथ यहाँ पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला जो है वो आगे देखा जाएगा। कल एक बार फिर से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में जागीरपुरी के मामले को देखते हुए। बुलडोजर पर ब्रेक लगने के बाद अब यहाँ पर अलग अलग बयान भी आने शुरू हो रहे हैं। हालांकि देखिए इस पूरे मामले में अलग अलग राजनेता जो है अपना स्टेटमेंट दे रहे थे बुलडोजर को लेकर, लेकिन जैसे बुलडोजर जागीरपुरी पहुंचा तो वहां पर साफ तौर पर कहा जाने लगा गरीबों की अनदेखी की गई है। कुछ लोग ऐसा भी कहते आम आदमी पार्टी के लोग नजर आए हैं। अब तस्वीर देखिए जहां से ठेलों को हटाया गया है, ठेलों को गिराने का काम, यहाँ पर दुकानें जो अस्थायी तौर पर लगाई जाती थी उनको यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया और इसी के साथ साथ देखिए अब वो जो घर बनाया गया अस्थायी तौर पर उनको भी यहाँ पर गिरा दिया गया है। बुलडोजर के जरिए कार्रवाई जारी जागीरपुरी में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि पूरे मामले को हम पहले देखेंगे। तस्वीर देखिए जहां पर सुरक्षा के बीच यहां पर पहुंचे थे बुलडोजर, 9 बुलडोजर से यहां पर ध्वस्तीकरण का काम जो था वो शुरू किया जा चुका था और इसके बाद एक उथल पुथल कैसी वहां पर मची है, किस तरीके से वहां पर कितना कुछ ध्वस्त हुआ पड़ा है वो तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई से यहां पर उन लोगों पर लगाम लगाने की कोशिश है जो अतिक्रमण करते हैं, गलत तरीके से यहां पर कब्जा करते हैं और उसके बाद वो वहां से खाली तक नहीं करते जगह को। अभी वो तस्वीर देखिए मस्जिद के बाहर जहां पर अतिक्रमण हुआ उसे भी बुलडोजर से हटाने का काम किया गया। अवैध कब्जे को यहां पर मस्जिद के बाहर भी हटाया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम का ब्रेक, यानी सुप्रीम ब्रेक लग चुका है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ब्रेक लगा दिया गया है। बुलडोजर से चोट, सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल अभी रोक है, लेकिन फिलहाल है, आगे हो सकता है इसे कंटिन्यू किया जाए। जागीरपुरी में कार्रवाई, कल फिर सुनवाई होगी और जागीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने के भी आदेश दे दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और
बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम ब्रेक जो है वो लग चुका है। और अभी फिलहाल देखिए इस पूरे मामले को देखा जाएगा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट देखता है इस पूरे मामले में, अवैध संपत्तियों को लेकर, अवैध तरीके से कब्जे को लेकर यहाँ पर एक्शन जो है वो होगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो हटेगी, इलीगल प्रॉपर्टी और जो लीगल प्रॉपर्टी है किसी को कोई भी टच नहीं करेगा। हर आदमी को सूचित किया गया था, वो कोई भी इलीगल काम एमसीडी नहीं करेगी और एमसीडी किसी भी काम को बर्दाश्त नहीं करेगी। सर यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि धर्म देखकर, समुदाय देखकर कार्रवाई हो रही है किसी भी धर्म के खिलाफ, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है और हमारा धर्म से कोई मतलब नहीं। हमारा तो मतलब ये है कि इलीगल जो भी कंस्ट्रक्शन ना हो और किसी भी जगह लैंड ग्रैबिंग ना हो। मैं एक बार फिर से उसी बात को दोहराऊंगा कि सिविक एजेंसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का हमारा काम है और वो हम कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था बरकरार रहे। देखिए हम हर काम कानूनी करते हैं और इस मसले में चूंकि सिविक एजेंसी का एफर्ट है तो सिविक एजेंसी जैसा कहेगी वैसा हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वी आर इन द मिडस्ट ऑफ द प्रोसेस, लेट द सिविक एजेंसी टेक अ डिसीजन। वी आर हियर टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू सिविक एजेंसी। कानून व्यवस्था बनाए रखने की माननी मांगी जाती है, वो हम कर रहे हैं। हमारा फोकस्ड और लिमिटेड रोल है, वो हम अदा कर रहे हैं। थैंक यू। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में आज बुलडोजर चला है और आप देख सकते हैं कि हम जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हैं और लोग अपना अपना सामान जो है वो यहाँ से लपेट रहे हैं। तो ये फैमिली एक थी जो यहाँ पर रहती थी, इनके पास कबूतर हैं और सामान है, ये एक मिनी ट्रक टाइप का खड़ा हुआ है यहाँ पे जिसमें इन्होंने अपने पूरे सामान जो है वो लादने शुरू कर दिए और अब यहाँ से ये लोग मूव कर रहे हैं। जब से सुबह से खबर आई थी कि जहांगीरपुर इलाके में आज बुलडोजर चलेगा उसके बाद से जो लोकल लोग यहाँ रोडों पर रहते थे साइड में उन्होंने यहाँ से अपना पलायन करना शुरू कर दिया है। आप सामान लपेट रहे हैं अपना यहाँ पे ऐसे? हाँ, क्या करें भाई, बच्चे पालना क्या करना। कितने दिन से आप यहाँ रह रहे थे? मेरा हो गया यार मान के 20 साल हो गया। क्या काम क्या करते थे? साइकिल रिक्शे का पहले ये मिस्त्री था, तब वो काम बंद वो कोरोना के चक्कर में फिलहाल कबाड़े काम स्टार्ट किया था। कबाड़े भैया कब से आप रह रहे थे यहाँ पे, क्या काम करते थे? ये कबाड़ा बीनते खाते और क्या करेगा इनसे। कितने साल से रह रहे थे यहाँ पे? 40 साल हो गए। अब कहाँ जाएंगे, क्या कहाँ जाएंगे, भाग जाएंगे और कहाँ जाएंगे? सामान लपेट के कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप ये सब फेंक फाक के गाँव जा रहे हैं और क्या करना, मरना तो है और क्या है, बचाने वाला हुआ। तो कहाँ गांव कहाँ है आपका, कहाँ जाएंगे आप? गांव का तो पैसे ही नहीं है तो गांव कहाँ जाएंगे? पुलिस जवान जो है उनको चाहिए जहांगीरपुरी इलाके में जो है अतिक्रमण करेंगे तो ऐसे में 1500 से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त कर दी, क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली पुलिस जहांगीरपुरी मामले में एक आरोपी के घर पर गई थी तो वहाँ पे हल्का फुल्का पथराव हुआ था, तो उसको देखते हुए और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको किया गया है। फिलहाल कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध मुस्वानी, भारत समाचार, दिल्ली। पता नहीं, फिलहाल अपना सामान उठाकर वहां से निकलने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि हम जहांगीरपुर इलाके में मौजूद हैं और लोग अपना अपना सामान जो है वो यहां से लपेट रहे हैं। तो ये फैमिली एक थी जो यहां पर रहती थी, इनके पास कबूतर हैं और सामान है, ये एक मिनी ट्रक टाइप का खड़ा हुआ है यहां पे जिसमें इन्होंने अपने पूरे सामान जो है वो लादने शुरू कर दिए और अब यहां से ये लोग मूव कर रहे हैं। जब से सुबह से खबर आई थी कि जहांगीरपुर इलाके में आज बुलडोजर चलेगा उसके बाद से जो लोकल लोग यहां रोडों पर रहते थे साइड में उन्होंने यहां से अपना पलायन करना शुरू कर दिया है। आप सामान लपेट रहे हैं अपना यहां पे ऐसे? हाँ, क्या करें भाई, बच्चे पालना क्या करना। कितने दिन से आप यहां रह रहे थे? मेरा हो गया यार मान के 20 साल हो गया। क्या काम क्या करते थे? साइकिल रिक्शे का पहले ये मिस्त्री था, तब वो काम बंद वो कबाड़ का। यहाँ से पूरा अतिक्रमण जो है वो शुरू किया जाएगा और पास के इलाके में बुलडोजर जो है वो आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे लगातार यहाँ पे सामान जो है उनको लपेटने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। लोगों ने अपने में अपने सामान जो है वो बांधना शुरू करें। साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से आज जो है वो यहाँ पे अब लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। भैया आप लोग यहाँ से जा रहे हो, क्या नाम है आपका? तो फिलहाल अभी बात नहीं कर रहे मगर आप देख सकते हैं कि अंदर कॉलोनी भी है और यहाँ रोड पे जो है लोग रहते हैं। पूरा रोड साइड में आज ये कहा गया था कि यहाँ पे अतिक्रमण जो है वो चलाया किया जाएगा और बुलडोजर जो है वो चलाया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे लोगों ने सुबह से ही पलायन करना जो है वो शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं रोड के साइड में यहाँ पे लोग रहते थे, अपना जीवन बसर करते थे। बहुत से लोग यहाँ पे 20 साल 30 साल से इसी तरह से रोड के किनारे रह रहे थे।
पूरी पूरी फैमिलियाँ हैं, महिलाएं भी हैं जो बैठी हुई हैं यहाँ पे, और अब इन्होंने अपना सामान जो है वो लपेटना लगभग जो है वो शुरू कर दिया है। जब से सुबह में खबर आई कि अतिक्रमण जो होगा, उसके बाद से लोगों ने अपने सामान लपेटना जो है वो शुरू कर दिया। साफ तौर पर जहांगीरपुरी इलाके में जिस तरह से हिंसा हुई थी हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकाली गई, उस दौरान जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद से लगातार प्रशासन जो है इस मामले में चुस्त और दुरुस्त था। लगभग 26 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है, 5 लोगों के ऊपर NSA लगाए गए हैं, और अब ये कहा गया कल रात में NDMC की तरफ से कि यहाँ पे बुलडोजर जो है वो चलाया जाएगा। साफ तौर पे आप देख सकते हैं लोगों ने अपने सामान जो है कबाड़ के वो लपेटना शुरू कर दिए हैं। बेसिकली जहाँ गीरपुरी इलाके में सबसे ज़्यादा जो है वो कबाड़ का ही काम होता है, ये स्क्रैप्स हैं जो ये लोग बुनते हैं, अब उन्होंने इनको इसमें से जो ज़रूरी इनके काम का कबाड़ का सामान है उसको लपेटना जो है वो शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते किस तरह से यहाँ पे लोग जो हैं वो अपने सामान जो हैं वो लपेट रहे हैं। साफ तौर पे लगातार लोगों का यहाँ से पलायन जो है या अपने सामानों को लपेटना जो है वो जारी है। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? साहिल। तो कब से यहाँ रह रहे थे लपेट रहे सामान अपना? 40 साल। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमजद। अमजद नाम है भैया। कब से आप रह रहे थे यहाँ पे, क्या काम करते थे आप? यही कबाड़ा बीनते खाते और क्या करेगा इंसान। कितने साल से रह रहे थे यहाँ पे? 40 साल हो गए। अब कहाँ जाएंगे, क्या कहाँ जाएंगे, भाग जाएंगे और कहाँ जाएंगे? सामान लपेट के कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप ये सब फेंक फाक के गाँव जा रहे हैं और क्या करना, मरना तो है और क्या है, बचाने वाला हुआ है। तो कहाँ गांव कहाँ है आपका, कहाँ जाएंगे आप? गांव का तो पैसे ही नहीं है तो गांव कहाँ जाएंगे? तो साफ तौर पे ये लोग हैं जो अब अपना सामान जो है लपेट रहे हैं। कोई 20 साल से यहाँ पे रोड साइड में रह रहा था, कोई 40 साल से रोड साइड में रह रहा था, और लगातार अब लोगों ने अपना कबाड़ जो है, जो सामान इनके ज़रूरत का है, कहा जाए कबाड़ में भी कुछ ज़रूरी सामान होते हैं जिनको बेच कर ही अपना जीवन व्यापन करते थे, वो सामान जो है लपेटना शुरू करे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर लोगों का सामान अपना बांधना जो है लोगों ने शुरू करे। साफ तौर पर आज 10 बजे का समय जो है वो दिया गया है कि जहांगीरपुरी इलाके में जो अवैध कब्जे वाले जगह हैं, अवैध कब्जे वाले जो एरिया हैं, वहां पे बुलडोजर चलाया जाएगा और अतिक्रमण को जो है वो हटाया जाएगा और फिर से उसको MCD के कब्जे में लाया जाएगा। साफ तौर पे दिल्ली पुलिस की अगर बात करें, दिल्ली पुलिस की लगभग 1500 से ज़्यादा जवान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स भी जो हैं वो शामिल। साफ तौर पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। कल एक लेटर जो है दिल्ली पुलिस को लिखा गया था MCD की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि 600 से ज़्यादा पुलिस जवान जो हैं उनको चाहिए पूरे इलाके में जो है अतिक्रमण करेंगे। तो ऐसे में 1500 से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त कर दी गई, क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली पुलिस जहांगीरपुरी मामले में एक आरोपी के घर पर गई थी तो वहाँ पे हल्का फुल्का पथराव हुआ था, तो उसको देखते हुए और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको किया गया है। फिलहाल कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध मुस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। इधर इनका बना लिए बैठे हुए पैरामिलिट्री बैठे हैं। बुलडोजर जो है वो चला गया, और आप दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज MCD का बुलडोजर जो है वो चल गया है। इस वक्त हम दिल्ली के MCD में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अवैध कब्जा करके यहाँ पे लोगों ने स्लेब बनाए हुए था, सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, उनको जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीढ़ी जो है वो एक घर के किनारे जो है अवैध तरीके से बनाई गई थी, उसको जो है वो तोड़ दिया गया। साफ तौर पे आपको यहाँ मैं नज़ारा दिखाना चाहूँ कि MCD का बुलडोजर जो है वो लगातार चल रहा है। लोगों ने घरों के बाहर जो है वो सामान रखे हुए थे, उनको अब पूरी तरह से जो है वो यहाँ पे हटा दिया गया है। कूड़े की गाड़ियाँ जो हैं वो मंगाई गई हैं, बड़े बड़े ट्रक कूड़े के मंगाए गए हैं, और उसके ऊपर जो है इन जो अतिक्रमण वाले सामान हैं उनको रखा जाएगा और लोड करके यहाँ से ले जाएगा। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन राहुल से कहूँ, यहाँ पे एक दुकान है, आप देख सकते हैं कि इसको पूरी तरह से गिरा दिया गया है। MCD की तरफ से कहा जा रहा है कि ये गलत तरीके से रोड पर बिना परमिशन के लेकर बनाई गई थी। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स हैं और ड्रिंक्स जो हैं वो यहाँ पे